नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अरविंद कुमार, हिस्ट्री फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विजिट करने वाले हैं खेतड़ी के भोपालगढ़ फोर्ट की। महाराजा अजीत सिंह जिस किले में निवास करते थे उस किले का नाम था भोपालगढ़। तो दोस्तों चल पड़े हैं हम भोपालगढ़ की सैर पे। ये पहाड़ तक जाता हुआ एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिसके बीच में है एक साईं बाबा का मंदिर जो देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मैं हूँ और मेरे साथ है बिट्टू भांजा, बिट्टू भयंकर, जो मेरा एक कैमरामैन है, वो शूटिंग कर रहा है चलते वक्त बाइक से। ये है साईं बाबा के मंदिर के पास से पुरानी खेतड़ी का एक दृश्य, जहाँ पे नजर आती हैं पुरानी हवेलियाँ, पुराने मकान, पुराने घर। अब करते हैं हम बची हुई चढ़ाई को पूरी। इससे पहले कि हमारी स्प्लेंडर जवाब दे जाए, पहले गियर में ही चल रहे हैं हम बड़ी खड़खड़ाहट की आवाज के साथ। इतना धमकम तो इस बाइक ने आज तक कभी नहीं लगाया जितना आज लगाना पड़ रहा है इसे। लगता है ऊपर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। अगर दोस्तों आपको घूमने का शौक है पहाड़ों पे और खास करके वो जगह जहाँ पे हो हिस्टोरिकल पैलेस, तो आप आ सकते हैं खेतड़ी महल भोपालगढ़ पे जरूर। लेकिन ध्यान से, क्योंकि यहाँ के जो टेढ़ी मेढ़े रास्ते हैं इन पे बड़े कंट्रोल से चलना होगा दोस्तों, नहीं तो आप सीधे नीचे जा सकते हैं। दोस्तों भोपालगढ़ का निर्माण सन 1724 में वीरवर भोपाल सिंह जी के द्वारा किया गया था। आज यह लगभग 270 वर्ष पूरे कर चुका है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2337 फुट है। यह किला लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। तो दोस्तों हम आ पहुंचे हैं भोपालगढ़ के पहले गेट की तरफ, लेकिन हमें यहाँ पे बाई ओर दिखाई दिया कुछ नीले रंग का सांकेतिक बोर्ड। क्या लिखा हुआ इस पर ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यह है भोपालगढ़ की सुरक्षा प्राचीर का पहला मुख्य दरवाजा। मुख्य दरवाजे के अंदर घुसते ही चारों ओर हमें नजर आते हैं सैनिकों के बने हुए कक्ष, और यह है दूसरा दरवाजा, सुरक्षा का दूसरा दरवाजा, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं और ये सुरक्षा के लिए हैं। इन पे अगर हाथियों से भी अगर इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की जाए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इन पे लगभग 2.5 से 3 इंच लंबे कीले हैं, बहुत ही नुकीले, जिनसे जानवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। दोस्तों भोपालगढ़ अगर आप घूमने आते हैं तो भोपालगढ़ में घूमने लायक जो चीज़ें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है शीश महल, जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। दूसरा इसका एक हिस्सा है मोती महल, एक और हिस्सा है रानी महल, एक हिस्सा है इसका भोपाल महल, गोपीनाथ जी का मंदिर, शिव मंदिर और रानी सती जी का मंदिर, और विशाल पहाड़ों के बीच एक स्थित है पवित्र अमर कुंड या गोमुख कुंड। रानी सती का मंदिर और विशाल पहाड़ों के बीच स्थित जो कुंड है अमर कुंड, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आप बताएंगे। तो आज हम सिर्फ इन भोपालगढ़ के शीश महल, मोती महल, रानी महल और भोपाल महल और गोपीनाथ जी के मंदिर को दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये है भोपालगढ़ का विकास समिति द्वारा बनाया गया इस किले का मैप, जो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें कौन सी चीज़ कहाँ है आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर से बताई हुई है। एक बार आप इस मैप को जरूर देखें घूमने से पहले, जो मेन दरवाजे भी स्थित है। दोस्तों अब दिखाई दे रहा है हमें शीश महल, हम चल पड़े हैं शीश महल की तरफ। शीश महल के अब दिन फिर गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब चल रहा है रिनोवेट का काम। अब यहाँ पे पूरे शीश महल को दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है, मरम्मत की जा रही है। पहले की तस्वीर आप देखिएगा एक बार, कितनी बुरी हालत थी। तो दोस्तों अब ये भोपालगढ़ का दोबारा से इसका रिनोवेशन का काम देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है कि आखिरकार एक झुंझुनू ज़िले की एक हेरिटेज संपत्ति को दोबारा से उसकी ध्यान रखा जा रहा है और पूरे को दोबारा से रिनोवेट किया जा रहा है। अब इसकी
हालत देखिए कितनी अच्छी हो चुकी है, और उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा बेहतरीन अभी इसको बना दिया जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने आएंगे, क्योंकि अब ये खंडर नहीं रहेंगे और इनको एक बहुत अच्छा, तो इसके लिए मैं पुरातत्व विभाग को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस हेरिटेज प्रॉपर्टी को जब पहले हम देखने आते थे तो दिल बड़ा रोता था कि हमारी कितनी पुरानी विरासत को लोगों ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है। लेकिन अब जब इसको देखते हैं तो दिल को एक सुकून मिला। खेतरी महल का निर्माण भोपाल सिंह द्वारा किया गया था। भोपाल सिंह शार्दुल सिंह का पोता था। इतिहास से पता चलता है कि खेतरी महल किसी भी प्रकार के दरवाजे और खिड़कियां नहीं हैं इनमें। देखिए आप कहीं भी दरवाजे खिड़कियां नज़र नहीं आते हैं पूरे महल में। तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह इस अनोखी संरचना से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने 1799 ईस्वी में भव्य व ऐतिहासिक हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। तो जयपुर के हवा महल का देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट था वो खेतरी के महल से ही आया था। दोस्तों भोपाल गढ़ के किले के हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण जो महल माना गया है वो है राजमहल, तथा राजमहल को शीश महल के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। इस महल को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, पहला राजमहल और दूसरा है राजनिवास। राजमहल में राजा अजीत सिंह जी के द्वारा राज दरबार हाल में सभाओं का आयोजन किया जाता था। वहाँ राजा जी के सभी मुख्य पदाधिकारी कर्मचारी सभी लोग उपस्थित हुआ करते थे, तथा यहीं से ही राजकार्यों का समापन हुआ करता था। इन सभाओं के अंदर राजा जी के साथ उनकी महारानी श्रीमती चंपा देवी भी उपस्थित रहती थी, लेकिन उनके बैठने का विशेष स्थान जो महल के दूसरे माले पे व्यवस्थित किया गया था, जिसे शीश महल के नाम से भी जानते हैं। राजमहल के इस कमरे को राजा ने जयपुर के कारीगरों के द्वारा कांच के टुकड़ों से इस तरह सजाया था कि जिसे देखने पर आज भी वर्णन करना असंभव सा लगता है। इस कमरे में रात्रि के समय एक दीपक भी जला दिया जाए तो संपूर्ण महल में रोशनी छा जाती थी। आज भी यदि महल के कमरे में माचिस की तिल्ली जलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे कमरे में आग जल रही हो। दोस्तों ये देखिए शीश महल की जो दीवारों की जो पेंटिंग बनी हुई है उनका रंग देखा जाए तो आज से 270 साल पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी वो जो कलर है वो लाजवाब है। इसकी दीवारों पे कॉर्नरों पे बने हुए राधा कृष्ण की रास लीलाएँ देखनी है। देखिए आप यहाँ पे जो दरबार लगा हुआ है, दरबार के चित्र हैं, और दरवाज़ों पे सारों और जो कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उनको अभी देखिए देखा जाए तो असामाजिक तत्वों के द्वारा काफ़ी नुकसान क्षति पहुँचाई गई है। इस पूरे शीश महल की जो पेंटिंग है उन पे देखो जगह जगह कोयले से नाम लिख लिख कर, कहीं पे पत्थरों से खोज खोज कर पेंटिंग को असामाजिक तत्वों द्वारा ख़राब कर दिया गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी पेंटिंग है जो अभी तक बची हुई है। तो दोस्तों शीश महल की ये जो दीवारों की जो पेंटिंग बनी हुई है इनमें देखिए राजा के साथ जो सेना है उसका पूरे चित्रण किया हुआ है, हाथियों पर जाते हुए सेनापति, पीछे घुड़सेना, पैदल सेना, इन सबको कॉर्नर में चारों ओर इनका जो चित्रण किया हुआ है, भित्ति चित्रण किया हुआ है। और जो कलर हैं ये पता नहीं कौन से कलर हैं, इनके बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन आज भी इन कलरों का वैसे के वैसे कलर पड़े हैं, जैसे मतलब इनमें कोई भी फैडनेस वगैरह कुछ नहीं है। और जो छत के ऊपर जो कलाकृतियाँ की गई हैं उनको भी लोगों ने पत्थर मार मार के ख़राब किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर इस पेंटिंग को अगर सुरक्षा दी गई होती, अगर इसके ऊपर कोई लोगों ने इसे ख़राब नहीं किया होता, तो आज भी इस पेंटिंग का जो कलर है वो बरकरार रहता। कितनी अच्छी पेंटिंग है, कितनी सुंदर पेंटिंग है ये। अगर इनको देखा जाए जैसे एक राज दरबार का चित्रण किया हुआ है, यहाँ पे राजा बीच में बैठा हुआ है, चारों और उसके जो सहयोगी वो बैठे हुए हैं। ये कि युद्ध का चित्रण किया हुआ है जिसमें पूरी सेना किसी पर धावा बोलती हुई नज़र आ रही है, देखिए ध्यान से इसको। और इसके आगे जो कि पेंटिंग और बनी हुई है इसमें ऊपर किले का दृश्य दिखाया गया है और नीचे जो शेर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, यानी शेरों की लड़ाई। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को देखने आएँ तो प्लीज़ अपने नाम लिखकर, कुछ स्लोगन लिखकर हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उसको इस तरीके से ख़राब ना करें। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा। अब इसे एक बार दोबारा से पूरे शीश महल की पेंटिंग्स को देखिए, कितनी सुंदर पेंटिंग है जिनको अभी ख़राब कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि इनको दोबारा से सबको सही कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो किला है इसका दोबारा से काम चल रहा है। अब इस दीवार के गुंबद की जो पेंटिंग है, जो भित्ति चित्रण है, वो बड़ा कमाल का है। एक बार आप उसको देखिए कितना ज़बरदस्त चित्रण किया हुआ है। अगर आज के ज़माने में अगर चित्रण किया जाए और इतने दिनों तक अगर ये पेंटिंग बरकरार रहे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो आजकल कलर हैं वो तो लगभग 3-4 साल में उनका जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। और इन सब का चित्रण देखिए कितना अच्छा चित्रण किया हुआ है।
तो दोस्तों ये हमारी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ये खेतरी का भोपालगढ़ फोर्ट का जो शीश महल है वो काफ़ी देखने योग्य है। देखने को ये पेंटिंग काफ़ी ज़बरदस्त पेंटिंग है। इसमें देखिए जहाँ पे देखते हैं तो इसमें हाथी घोड़ों की लड़ाइयों के भी चित्र हैं, और जो बीच में जो पेंटिंग है गुंबद के उसमें गोल घेराकार में गजब की पेंटिंग बनाई हुई है। अब हम आ गए हैं शीश महल से बाहर की तरफ, चार इसकी जो प्राचीर है प्राचीर के ऊपर, और हमारे साथ हैं सामने बिट्टू जो अभी दिखाई दिए थे आपको। तो यहाँ से नज़र आता है खेतरी का एक विहंगम दृश्य, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे है खेतरी तालाब, जो खेतरी का तालाब है वो नज़र आ रहा है। इसके पास में रघुनाथ जी का मंदिर है जो देखने योग्य है, जहाँ पे एक बार आपको जरूर जाना चाहिए। खास बात यह है, विश्व के कुछ गिने चुने जो मंदिर हैं उनमें से खेतरी का रघुनाथ जी का मंदिर भी एक फेमस मंदिर है, जहाँ पर भगवान रामचंद्र की मूछों सहित मूर्ति है। अब हमें बिट्टू आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, बिट्टू दिखाने वाले हैं ये जो तोप स्थल है। यहाँ पे तोप लगी हुई थी कोई ज़माने में, जहाँ इस तोप का नाम था मरगदा तोप, ये उसका स्टैंड है। एक तोप यहाँ थी तो दूसरी तोप थी महल के बाएं ओर जो बुर्ज है उसके पास में, जिसका नाम था बख्तावर तोप, जो कि शीश महल के दूसरी साइड में है। अब दोस्तों वापस चलते हैं शीश महल की तरफ, और यहाँ से हम जो सामने आगे जो पहाड़ पे बुर्ज दिखाई दे रहा है वहीं पे थी बख्तावर तोप, वहाँ पे बख्तावर तोप का स्टैंड है, वहाँ पर बख्तावर तोप रहती थी कोई ज़माने में। भोपालगढ़ के किले में दो विद्युत जनरेटर थे जो कि महाराजा अजीत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए थे, और संपूर्ण खेतड़ी में और महल में और गांव में इसी से ही लाइट दी जाती थी, और सभी ग्रामवासियों को एक होल्डर बल्ब महाराजा ने उस टाइम पे उपहार में दिए थे। यह जो दिखाई दे रहा है ये जनरेटर कक्ष है, यहीं से ही विद्युत सप्लाई की जाती थी। ये है जनरेटर हाउस जो कि अभी फिलहाल ख़राब हो चुके हैं। ये जो रास्ता है वो मोती महल की तरफ जाता है, मोती महल, रानी महल और गोपीनाथ जी के मंदिर की तरफ। सड़क के बाईं ओर जो पुराने अवशेष हैं, यहाँ पर जो कॉलोनियाँ थी जिनमें राजा के सहयोगी लोग हैं, वैद्य हैं, वो सब रहते थे। ये जो दुर्गा मंदिर है और शिव मंदिर है वहाँ से लिया गया एक 360 व्यू है। यहाँ से हमें शीश महल, मोती महल व गोपीनाथ जी का मंदिर दिखाई देते हैं। ये जो मोती महल है, और मोती महल के साइड में एक छोटा महल और भी है। मोती महल देखा जाए तो ये 3 से 4 मंजिला है, जो चौथी मंजिला है इसकी वो ऊपर आधी थोड़ी टूट भी चुकी है। दोस्तों हम चल पड़े हैं मोती महल के उबड़ खाबड़ रास्ते पे, जो कि फिलहाल जो रास्ता है वो झाड़ियों से ख़राब हो चुका है, बाकी अच्छा रास्ता बनाया हुआ था। ये सीधा रास्ता ऊपर जाता है, सीधा मोती महल के छत तक जाता है रास्ता। एक रास्ता और भी है जो रास्ता रानी महल के सामने से होके आता है, जो कि बिल्कुल महल के यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं इसके यहाँ से आता है। ये मोती महल के ऊपर बनी हुई चौथी मंजिल की इमारत है, यहाँ पे अभी देखो जानवरों ने इसमें शायद इसमें जानवर बैठते थे, अब ख़राब हो चुकी है ये। ये सामने नज़र आ रहा है शीश महल। हम जो फिलहाल हैं हम मोती महल के सबसे ऊपरी छत के ऊपर हैं, इसके ऊपर एक मंजिल और भी है। अब हम करते हैं बिट्टू को फॉलो, और बिट्टू के साथ देखने जा रहे हैं कि क्या है, बिट्टू कहाँ लेके जा रहा है हमें। ये जो महल की जो चार ऊपर की जो दीवार है, ये दीवार टूटी हुई है, और दीवार के पीछे से हम देखते हैं ओ गजब का नज़ारा है। यहाँ के पीछे पहाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े मिट्टी के टीले हैं। ये पीछे जो है एक बीलवा गांव है, बीलवा गांव है। यहाँ से पहले कोई पीछे से कोई रास्ता भी है जो यहाँ से डायरेक्ट बीलवा की तरफ जाता था, जो अभी शायद बंद कर दिया गया है। ये चारों ओर बीलवा गांव है और पहाड़ियों का दृश्य है, चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े मिट्टी के टीले हैं। हम वापस चलते हैं महल की तरफ और देखते हैं नया कुछ और। ये रहस्यमय कमरे हैं नीचे, पता नहीं इनकी छतें तोड़ दी गई हैं लोगों के द्वारा खजाने के चक्कर में। ये जो सामने जो नज़र आ रहा है ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ सीधी नीचे मोती महल में जाती हैं। ऐसी सीढ़ियाँ इसके जस्ट उस तरफ दूसरी साइड में भी हैं।
हम बिट्टू के पीछे पीछे जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये नीचे काफ़ी संकरा रास्ता है, काफ़ी संकरी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो ही नीचे आते हैं तो एक बिल्कुल हवादार महल नज़र आता है हमें, जिसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, चारों ओर महल ही है। ये जो महल है ये यहाँ से दो मंजिला है, दो मंजिला महल है ये। सामने शीश महल और चारों ओर चार दीवारी, और यहाँ पे शायद महाराज जी का तख्त लगा करता था शासन, जहाँ पे बैठते थे। और इसके नीचे एक मंदिर भी बना हुआ है, माँ दुर्गा का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं। ये चारों ओर हम इसे घूम सकते हैं चारों ओर। महल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा श्री अजीत सिंह जी के पूर्व जिसका भी राज तिलक यहाँ होता था, वो राज तिलक यहीं महल में किया जाता था। महल महाराज का भी यहीं राज तिलक हुआ था तथा खेतरी की राजगद्दी पर बैठकर यहाँ से राजकार्य शुरू किया था। जनश्रुति है कि राजगद्दी आज भी यहाँ मौजूद है। इस राजगद्दी के नीचे की जगह हमेशा साफ रहती थी। किसी बच्चे या व्यक्ति के एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार आता था तो इस जगह पर आकर लेटाने से उसका बुखार ख़त्म हो जाता था। ये एक ऐसी जनश्रुति है। नीचे बनाया हुआ माता का मंदिर, यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पे पूजा पाठ होता है। और इस मंदिर से जस्ट हम बाहर निकलते हैं किले से तो सामने दूसरा रास्ता है, दूसरा पैदल रास्ता है जो सीधा महल के अंदर आता है। देखिए वहाँ से जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट से जो रास्ता आता है वो रास्ता घूमता हुआ सीधा पत्थरों का रास्ता है, और ये घूम के सीधा यहाँ पे राजमहल में चला जाता है। और उधर की तरफ अगर हम देखते हैं बाईं तरफ जो रास्ता जाता है, इधर की तरफ बाईं तरफ जो इधर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है रानी महल में। ये रास्ता इधर से रानी महल में चला जाता है घूम के। भोपालगढ़ के किले में दक्षिण पश्चिम में भोपाल महल बना हुआ है। इसका निर्माण श्री भोपाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, जो बड़ा नहीं है, इसमें दो से तीन कमरे हैं, लेकिन इसी महल की वजह से खेतड़ी व भोपालगढ़ का शुभारंभ हुआ। कहा जाता है कि भोपाल सिंह जी झुंझुनू से जसरापुर के ठाकुर अमर सिंह जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी में आए थे। तब भोपाल सिंह को जसरापुर से 3 कोस दूरी पर स्थित अपनी पहाड़ी क्षेत्र पर अपने घोड़े चराने के लिए पसंद आया, और वह क्षेत्र था वो खेत सिंह जी का था, जिसका नाम खेत सिंह की ढाणी था, जो कि ठाकुर जी के जाति भाई थे। ये बात भोपाल जी ने ठाकुर जी से कही, और ठाकुर के कहने पर खेत सिंह जी ने भोपाल जी को घोड़े चराने की अनुमति मिल गई। किंतु भोपाल सिंह जी ने धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा कर लिया और पहाड़ पर एक छोटी बुर्ज बनाई। तत्पश्चात संवत 1812 विक्रमी में खेत सिंह की ढाणी के स्थान पर खेतरी शहर बसाना आरंभ कर दिया, अपने नाम से भोपाल महल और भोपाल किला बनाया। सन 1756 में खेतरी को राजधानी बनाया। दोस्तों अगर आप भोपालगढ़ घूमना चाहते हैं तो खास करके बारिश के दिनों में यहाँ पे आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ पे चारों ओर ज़बरदस्त हरियाली छा जाती है, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप जम्मू कश्मीर आ गए हों। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा होता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इस समय में आप कभी भी आते हैं तो गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इस महल के नीचे की ओर दक्षिण दिशा में भूल भुलैया स्थित है, तथा महल के नीचे अंदर की तरफ कुछ सुरंगें मौजूद हैं। ये सुरंगें इतनी ऊंची व चौड़ी हैं कि जिनमें से सैनिक घोड़े पर बैठ के बाहर आ जा सकते थे, लेकिन अभी ये शायद बंद हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं। राजा व उनके सिपाही इन सुरंगों के द्वारा किले से बाहर आकर शत्रुओं को पीछे से घेर कर बंदी बना लेते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण भी करते थे। इनके अलावा इन सुरंगों में जगह जगह पर कमरे भी बने हुए हैं, जिनमें कुछ कमरों में ऊँटों की खाल के अंदर देसी घी, तेल, भोजन सामग्री, कुछ कमरों में घास फूस से भरे रहते थे तथा कुछ नमक से भरे हुए रहते थे, जिनका उपयोग सैनिक किया करते थे। लेकिन आज इस महल में छिपे धन की तलाश में लोग बुरी तरह से जगह जगह से दीवारों की खुदाई कर चुके हैं, साथ ही प्रकृति की मार झेलते झेलते यह महल खंडर के रूप में बदल गया है। सभी किले व स्मारकों पर वहाँ पर जगह जगह अपने नाम लिखकर वह पत्थरों से हर जगह से दीवारों को तोड़ा गया है धन की चाहत में लोगों ने, और जगह जगह यहाँ पे दीवारों की व फर्श की भी खुदाई कर डाली लोगों ने। अब दोस्तों हम चलते हैं रानी महल की तरफ। उससे पहले ये देखिए, ये जो नीचे के जो कमरे हैं इनकी दीवारों के अंदर छेद कर दिए गए हैं जगह जगह से धन की चाहत में लोगों ने,
कि यहाँ पे कुछ खजाना मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो लोग थे वहाँ पे आते थे तो उनकी यही मंशा होती थी कि खेतरी के जो महल है इसमें बहुत सारा धन छुपा हुआ है और हम इसको निकाल सकते हैं। ये बिट्टू हमें आगे दोबारा रास्ता बता रहे हैं कि रानी के महल की तरफ जाने का रास्ता। उससे पहले ये देखिए, ये एक ऊपर की मंजिल पे बना हुआ विशाल महल है। ये भी इसकी छत पे जाके देखते हैं। छत पे काफ़ी ये टूट चुके हैं, छत के जो अवशेष हैं वो टूट चुके हैं, ऊपर का ऊपर की जो मंजिल है वो टूट चुकी है। अब हम दोबारा नीचे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं, हम रानी महल की तरफ चलते हैं, क्योंकि रानी महल का एक रास्ता तो सामने से है, इसके अलावा एक रास्ता ये भी है, यहाँ से सीढ़ियों से हम नीचे जा सकते हैं छत से। इन सीढ़ियों से हम नीचे चलते हैं, ये नीचे चलते हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी इतनी संकरी हैं, इनमें से अगर एक साथ दो लोग चाहें तो नहीं निकल सकते, अगर थोड़े मोटे हों तो। इधर से हम आए हैं, ये जो इधर से जो रास्ता है सामने से, ये बिल्कुल इधर से, ये नीचे से भी एक रास्ता आ रहा है ये पत्थरों का, हम इधर से सीधे आए हैं ऊपर छत से। ये मुख्य रानी महल है जिसका आलीशान दरवाज़ा है, और ऊपर दरवाजे पे हैं गजानन जी विराजमान, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। लेकिन अगर हम इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद में थोड़ा सा गैलरी है, गैलरी से हम बाएं घूमते ही आ जाता है इस रानी महल का चौक, जहाँ पे आप देख रहे हो लोगों ने खूब खुदाई की हुई है जगह जगह पर, धन की चाहत में, गहनों की चाहत में कि यहाँ पे हमें धन मिलेगा, गहने मिलेंगे। ऊपर की ये दो मंजिल हैं, अभी ये खंडर हो चुकी है तो इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो शाम होने आई है, थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ जानवर वगैरह भी हों, कुछ जहरीले जानवर हों, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर कोई खजाना नहीं है। लोग खजाना देखने वाले खजाना देख के जा चुके हैं। यहाँ भी कोई एक कमरा है जिसके अंदर, एक कमरे के अंदर और भी कमरे से हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, ये शायद बंद कर दिए गए हैं, पता नहीं। अब हम वापस चलते हैं महल की तरफ छत पे, लेकिन उससे पहले ये जो है यहाँ से काफ़ी सुरंगें हैं, काफ़ी मतलब घुमावदार रास्ते हैं जिनके अंदर काफ़ी भूल भुलैया हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे, सीधे ऊपर चलते हैं छत पे। संवत 1824 में महाराज अभय सिंह जी के द्वारा भरतपुर व जयपुर का प्रसिद्ध युद्ध माउंडा स्थान पर हुआ था। भोपाल सिंह जी ने जयपुर पक्ष में तलवार उठाई थी और भरतपुर के जाटों से एक तोप छीन लाए थे। वह जो तोप थी वो बेगम समरू तोप थी, उसका नाम बेगम समरू तोप कहा गया है, तथा दूसरी तोप का नाम था बुढ़िया तोप, उसका बुढ़िया तोप नाम बोला जाता है। यह घटना महाराजा अभय सिंह जी के बेटे राजा बाघ सिंह जी के समय की थी। कहते हैं कि इस बुढ़िया तोप के वार करने की क्षमता इतनी तेज थी कि महाराजा ने एक बार इसे युद्ध के समय चलाया था तो इसका गोला सीधा सामुद की पहाड़ी में जा पहुंचा, जो आज भी वहां पे मौजूद है। और कहते हैं कि जब ये बुढ़िया तोप चलती थी तो इसकी गर्जना मात्र से गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर जाया करते थे। इसी कारण जो खेतड़ी के वासी थे उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि यह कृपया करके तोप ना चलाएं, लेकिन आज ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अरविंद कुमार, मैंने एक छोटा सा प्रयास था मेरा ये कि मैं आप लोगों को भोपालगढ़ के किले, खेतड़ी के किले के बारे में आपको लोगों को बताऊं, क्योंकि खेतड़ी का जो भोपालगढ़ का किला है उसको देखकर हम काफ़ी गौरव महसूस करते हैं। यहाँ पे राजा अजीत सिंह जी को हम याद करते हैं, तथा भोपाल राजा भोपाल सिंह जी से लेकर राजा सरदार सिंह जी तक की जो गाथा है वो अपने अंदर समेटे हुए है ये भोपालगढ़ का किला, और उसी गौरव के साथ आज भी इसने अपना मस्तक ऊँचा कर रखा है। और अब तो इसका दोबारा से पुनर्निर्माण है वो स्टार्ट हो गया है, तो आने वाले दिनों में आप ये देख सकते हैं कि यह जो भोपालगढ़ का भव्य जो महल है वो वापस से फिर से खड़ा हो जाएगा और लोगों के को देखने के लिए खुल जाएगा। और ये हमारी एक अनमोल धरोहर विरासत है जिसे हम देखने पर बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। मोती महल से हम नीचे की तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ जो बाईं ओर है, बाईं ओर एक छोटा महल और भी है जो कि 3 मंजिला दिखाई देता है,
और ये भी काफ़ी खंडर हालत में हो चुका है। यहाँ पे जो विलायती बबूल हैं वो उग चुके हैं। वह हल्का सा रास्ता है जो काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे देखने गए हैं, लेकिन काफ़ी अंदर अंधेरा है और हो सकता है कि कोई जानवर भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे, और अभी अंधेरा होने वाला है। तो हम तो अब रिस्क नहीं लेने वाले हैं, हम तो यहाँ से वापस चलने का सोच रहे हैं। और आगे देखिए, बिट्टू हमारा आगे इंतजार कर रहा है। बिट्टू बोल चुके हैं कि अभी अंधेरा हो चुका है, अब निकलना चाहिए हम यहाँ से। ये पत्थरों का जो रास्ता है इससे हम नीचे की तरफ वापस जा रहे हैं। जो रास्ता है वो आधा रास्ता खराब हो चुका है। यहाँ पे विलायती बबूल और पेड़ पौधे उग चुके हैं इसमें। वापस हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, अब हम निकलते हैं वापस। और ये है हमारा मोती महल जो आज भी गर्व से सीना उठाए खड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे पुराने गौरवशाली इतिहास व हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए और उनके भ्रमण के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।